लोकसभा चुनाव में लगे मतदान दलों के विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण के बाद अब अंतिम प्रशिक्षण के साथ दलों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना करने की तैयारियां की जा रही हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा राजकीय पीजी महाविद्यालय को अधिकृत किया गया है। यहां पर अलग अलग विधानसभा के हिसाब से शामियाने लगाए जा रहे हैं, जहाँ पर मतदान दलों को पुलिस सुरक्षा के साथ अंतिम प्रशिक्षण देकर रवाना किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तहत जो जो मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। एक ओर जहां प्रत्याशी प्रचार प्रसार में दम लगा रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पोलिंग पार्टियों के अंतिम प्रशिक्षण, पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। अलग अलग विधानसभावार शामियाने लगाने के साथ बैठक व्यवस्था और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था इन दिनों की जा रही है। दरअसल लोकसभा आम चुनाव के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा, वहीं 4 जून को मतगणना होगी। इसको लेकर 25 अप्रैल को मतदान दलों की रवानगी भी शुरू हो जाएगी। बाड़मेर और बालोतरा जिले में मतदान दलों की रवानगी, ईवीएम को रखने और मतगणना के लिए बाड़मेर के राजकीय स्नातकोत्तर भवन का उपयोग निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा। ऐसे में पीजी कॉलेज परिसर में इन दिनों निर्वाचन आयोग के अंतर्गत तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार विधानसभावार शामियाने लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पोलिंग पार्टियों की रवानगी में उपयोग में लिए जाने वाले वाहनों के लिए भी विधानसभावार ही पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा 15 अप्रैल से पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण राजकीय कन्या महाविद्यालय और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जो 21 अप्रैल तक चलेगा। वहीं 25 अप्रैल को पीजी कॉलेज परिसर में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देने के साथ ही मतदान दलों की रवानगी होगी। इसको लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं।